नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र। दोस्तों, मैं गोभी वार्षिकरण यंत्र बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी कोई तंत्र मंत्र से वीडियो लेके आए तो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, ऐसे तो बहुत सा मंत्र यंत्र बनाकर मेरे चैनल पे डाला हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहां से। दोस्तों, मेरे चैनल पे वार्षिकरण यंत्र बहुत सा बना का डाला हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो आई बटन में मिलेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, आप गोभी से वार्षिकरण करना चाहते हैं तो इस यंत्र को गोभी के पत्ते पर इस यंत्र को लिखना है, और लिख कर उस यंत्र को आप प्रेम प्रेमिका को बस में करना चाहते हैं, पति पत्नी को बस में करना चाहते हैं, आप किसी अधिकारी को बस में करना चाहते हैं, या किसी औरत को बस में करना चाहते हैं, किसी को लड़की के बस में करना चाहते हैं, तो इस यंत्र के प्रयोग से आप वार्षिकरण कर सकते हैं। तो इस यंत्र को दोस्तों लिखना पड़ेगा आपको गोभी के पत्ते पे, किसी भी शुभ मुहूर्त में इसको गोभी के पत्ते पर ये नक्शे को लिख लेना है, और लिख कर इस यंत्र को पूजा पाठ करके आप इस यंत्र को दिखाना है। सिर्फ पहनना नहीं है, ये दिखाने से ही वार्षिकरण हो जाता है। तो दोस्तों, इस यंत्र को 108 बार गोभी के पत्ते मिश्री तथा गुरोचन से लिखना, गुरोचन से लिखकर मध्य जो मध्य भाग है वहां पर जिसको बस में करना चाहते हैं, प्रेम प्रेम का पति को, तो वहां पर नाम लिखना पड़ेगा जिनको बस में करना चाहते हैं, उस स्त्री को उस पुरुष को नाम लिखना है। और नाम लिखते ही जब इस यंत्र लिखाएगा, नाम लिखते ही वो वार्षिकरण हो जाएगा, और जब दिखाइएगा तो आपको आकर्षित हो जाएगा, आप परमोहित हो जाएगा। तो इस यंत्र को दिखाना है उसको जिसको बस में करना है, तो वे वार्षिकभूत हो जाएगा और आपको बस में हो जाएगा, आपको इच्छा अनुसार वो कार्य करेगा। तो दोस्तों, इस यंत्र को पहले लिख कर आप सिद्ध कर लेना है, सिद्ध करने के बाद आप जिससे मिलने जा रहे हैं तो इस यंत्र को ले जाकर उसको दिखाना है, तभी बस में करण वसीकरण हो जाएगा, तभी बस में होगा। तो दोस्तों, इस यंत्र को किसी को गलत प्रयोग ना करें, न तो आपको हानि ही उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाना। धन्यवाद।